नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार तिवारी हूँ, सुरवाला जिला सिवान बिहार से। दोस्तों आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, उसके बाद दोस्तों घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा होना चाहिए, आप लोगों को कैसा वीडियो लगता है, ये दोस्तों कमेंट में वीडियो देखने के बाद जरूर बताएं। सलमान प्रोटोकॉल तोड़ स्वागत के लिए पहुंचे पीएम मोदी। नई दिल्ली, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर मंगलवार रात को नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद पीएम मोदी उनका स्वागत करने पहुंचे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत में पीएम मोदी के पहुंचने को कूटनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल क्राउन प्रिंस इससे पहले पाकिस्तान दौरे पर थे। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन का दावा कर रहा है, इस लिहाज से उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि भारत दौरे से ठीक पहले सऊदी अरब ने पुलवामा आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि कुछ वर्षों में आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के बारे में सऊदी की समझ में काफी बदलाव आया है। पाकिस्तान जो कहता है सऊदी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है। सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत दौरे के दौरान भारत और सऊदी 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस दौरान कुछ रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। भारत जल्द ही सऊदी अरब के साथ नौसैनिक अभ्यास भी करने वाला है। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब भारत के साथ गतिविधियों में काफी रुचि ले रहा है। सऊदी आतंकवाद के खिलाफ सूचनाएं देने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बारे में भी कदम उठा रहा है। सऊदी अरब ने कई आतंकियों का प्रत्यर्पण भी किया है। सूत्रों को कहना है कि सऊदी अरब की दो बड़ी तेल कंपनियां रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 44 अरब डॉलर का निवेश कर सकती हैं। अपने पाकिस्तान दौरे पर प्रिंस सलमान ने रविवार को उनके साथ 20 अरब डॉलर के 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनकी यात्रा से पहले पुलवामा हमले के कारण कुछ अनिश्चितताएं नजर आ रही थी। प्रिंस सलमान एक दिन देरी से पाकिस्तान पहुंचे थे। ऐप शेयर करें, एनबीटी फेसबुक पेज को लाइक करें और पाएं ताज़ा अपडेट। रोज जीती है।